कोरोना पर आस्था पड़ रही है भारी। श्रावण के पहले ही सोमवार पर मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। उड़ी कोविड के सारे निर्देशों की धज्जियां। यह दियावानाथ मंदिर का दृश्य है, जहां भक्त श्रावण के पहले सोमवार पर जलाभिषेक के लिए आए हुए हैं। यहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई और न ही किसी के चेहरे पर मास्क, जिसे देख करके यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग कोरोना की तीसरी लहर से कितने सजग हैं, कितने भयभीत हैं। इन्हें देख करके ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे यह खुद कोरोना को दावत दे रहे हों कि आ बैल मोहमार। इस स्थिति में कोई भी सरकार किसी भी तरह की पुलिसिंग व्यवस्था श्रद्धालुओं के साथ क्या कर सकती है, जब श्रद्धालु खुद ही न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न तो मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में कितना भी टीकाकरण करा लिया जाए, कोरोना की तीसरी लहर को आने से नहीं रोका जा सकता। एक यह दृश्य देख करके यही प्रतीत हो रहा है कि लोग बिल्कुल भी कोरोना से जरा सा भी भयभीत नहीं लग रहे हैं। उन्हें अपनी आस्था सबसे पहले दिखाई पड़ रही है। यह नहीं सोच रहे हैं कि जान है तो जहान है। यदि कोरोना का रूप भयंकर हुआ तो न पूजा पाठ काम आएगा, न कोई आस्था काम आएगी। फिर भी लोग बिना किसी सुरक्षा के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के मंदिरों पर जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं।